नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोबिया। सिवान पुलिस को व अन्य थानों की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर आज 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी चवन्नी सिंह भी है, जिसने MLC प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमला किया था और जिसका मुख्य आरोपी था। इस मामले में कोलकाता से उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 अन्य आरोपी हैं। बता दें कि पहली गिरफ्तारी रत्नाकर पांडे उर्फ पीयूष पांडे के रूप में हुई है, जो बनकटा का रहने वाला है। उसके पास से एक देशी पिस्टल, 2 गोली बरामद हुई है। वहीं मैरवा कांड में वो अभियुक्त है, जिसमें आर्म्स एक्ट, वहीं पहले 4 अन्य मामले हैं, यह हिस्ट्री सीटा रहा है। वहीं दूसरी गिरफ्तारी MH नगर थाना क्षेत्र के जलालपुर के रहने वाले अंकित कुमार सिंह, पिता बबलू सिंह के रूप में हुई है, जिसके पास से एक पिस्टल व 4 गोली बरामद हुआ है। वहीं लूट, आर्म्स एक्ट समेत 5 से ज़्यादा मामले दर्ज है। वहीं तीसरी व मुख्य गिरफ्तारी दीपक सिंह उर्फ चवन्नी सिंह की हुई है, जो रईस खान पर महुअल गांव के समीप MLC चुनाव के दौरान हुए हमले का मुख्य आरोपी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वहीं यह डकैती, हत्या, लूट समेत अन्य कई मामलों में भी आरोपित है, हिस्ट्री शीटर रहा है, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तारी कलकत्ता से की गई है, जहां पर बंगाल पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी हुई है। इस बात की जानकारी SP के द्वारा दी गई। कल एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है 2 दिन से, उसमें कुछ अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए, उसी के संबंध में आप लोगों से वार्ता करनी थी। इसमें आप लोग, एक अपराधकर्मी है जिसका नाम है रत्नाकर पांडे उर्फ पीयूष पांडे, ये बनकट्टा के रहने वाले हैं। इनको एक देसी पिस्टल और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये मैरवा थाना कांड संख्या 276/22, इसमें ये वांटेड था, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, जब इनका छानबीन किया गया है, तो आर्म्स तो मिला ही है इनके साथ, पहले का भी इन पर 4 केस है जी, कंप्लीट क्रिमिनल हिस्ट्री है इनका, और इन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया भी है कि किस तरह से अपराध कर रहे हैं। तो एक रत्नाकर पांडे, दूसरा एक गिरफ्तार किए गए हैं अंकित कुमार सिंह, पिता बबलू सिंह, साकिन जलालपुर थाना जीबी नगर, इनको भी एक पिस्टल, 4 गोली और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन पर भी लूट, आर्म्स एक्ट का पूरा विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जो हमने प्रेस नोट में आप लोगों को लिख दिया है, उससे आपको प्राप्त हो जाएगा। इन पर अभी 5 केस लूट और आर्म्स एक्ट का पहले से दर्ज है, जो जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तीसरे एक अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं दीपक कुमार सिंह उर्फ चवन्नी सिंह, ये पहले से ही बहुत ही एक साथी और कुख्यात अपराधकर्मी रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीच में एक MLC प्रत्याशी थे रईस खान, उनके वाहन पर गोली चली थी, उसके क्रम में एक आदमी की मृत्यु भी हुई थी, तो उसमें ये नामजद अभियुक्त भी हैं। इन पर भी पहले से लूट, डकैती का और रंगदारी का, इन पर भी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इनकी गिरफ्तारी अपने राज्य के बाहर कोलकाता से करके पुलिस लाई है, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बंगाल पुलिस पकड़ी है? बंगाल पुलिस नहीं पकड़ी, हमारी पुलिस पकड़ी है बंगाल पुलिस के सहयोग से। हमारे चवन्नी कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीकारोक्ति भी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? चवन्नी के पास से बरामदगी तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान दिया है, स्वीकार भी किया है, और इसमें बहुत सारा इन्होंने तथ्य दिया है, जिस पर हम लोगों को अनुसंधान आगे करना है। अभी हम लोगों को जो स्वीकारोक्ति बयान दिया है, उसको हम अभी अनुसंधान में रखेंगे, उसको हम अभी आप लोगों को डाइवर्ज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस पर अनुसंधान करना है। ये पहले से सिवान में इनका, आप देख सकेंगे क्या क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से रहा है। सिवान में तो 2014 का भी इन पर केस है, तो पहले से ये सिवान घूमता रहा है, और सिवान में क्राइम करते नहीं का। देखिए 497/14 इस सिवान का केस है, 302/120 का मर्डर किया हुआ, मर्डर का केस है। तो इसीलिए ये पुराना क्रिमिनल है, और आप सभी जानते हैं इनके बारे में, तो इनके बहुत कुख्यात अपराध करी। हमले में और लोगों का भी नाम आया था, तो कुछ बताया है कौन से लोग थे? हाँ, तो बताया है ना, उसमें बहुत सारे लोग आप लोगों को तो पता ही है, उसमें तो नेम्ड FIR हुआ था, उसमें आपको पता है कि हम लोगों ने पहले भी एक आफ्ताब नाम का क्रिमिनल था, जिसको बाहर से गिरफ्तार करके लाए थे, जिस पर इनाम भी घोषित हुआ था।
अभी आपका चवन्नी सिंह एक गिरफ्त कुख्यात तो पकड़े गए, कुछ लोग जो उसमें साथीर थे वो लोग सरेंडर भी किए हैं, का खुलासा कुछ किया ही बहुत सारा स्वीकारोक्ति बयान में इसने बताया है, लेकिन अनुसंधान के नहीं 47 बरामद नहीं हुआ है, अनुसंधान के लिए अभी उसको हम डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते, उस पर अनुसंधान हम लोगों को करना है। शुरुआती दौर में आया था मामला कि 2147 से हमला हुआ है, अभी हम लोग पहले भी आपको उस समय भी प्रेस ब्रीफ हुआ था तो हम बताए थे कि जो हम लोगों के पास इम्प्टी मिला है उसमें इम्प्टी मिला था घटनास्थल से खोखा, तो उस खोखा को हम लोग FSL जाँच के लिए भेज देते हैं, FSL से जो कन्फर्म तभी कर पाया क्योंकि आर्म्स बरामद हुआ नहीं है, हम लोगों को जो खोखा जांच होती आ जाएगा तो हम लोग कन्फर्म बता देंगे कि यह किस हथियार से चला हुआ। अभी तक नहीं है, अभी FSL से जांच रिपोर्ट नहीं है, टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। चवन्नी सिंह का वेस्ट बंगाल में केस नहीं है, अभी हम लोगों के जानकारी में नहीं है, इसका गोरखपुर मऊ अपना टाउन थाना गोपालगंज यही आपका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी सर। हाँ नहीं नहीं, अरे जब भी कोई बाहर कोई किसी को हम गिरफ्तार करने जाते हैं तो वहाँ आपको वहाँ के पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है तभी गिरफ्तारी। जो दो हैं इसके अंडर में काम करने वाले हैं, कौन से दो? जो तीन गिरफ्तारी हुई चवन्नी के अंडर में सर? नहीं नहीं नहीं, तीनों का अपना अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र है, गैंग है, अलग अलग ये काम करते हैं, लेकिन दो दिन के अंदर गिरफ्तारी हुई इसलिए आप लोगों के सामने इसको हम पोलिस करें। कलकत्ता में हमारा हुसैनगंज थाना प्रभारी गया था और इसमें STF का भी सहयोग है, STF का भी सहयोग मिला है हमको गिरफ्तारी करने से या होटल से? नहीं, अपार्टमेंट से। चवन्नी के पास से नहीं, आर्म्स रिकवर नहीं हुआ, इनके पास से आर्म्स रिकवर नहीं हुआ है,